नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत में 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। ये 500 नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नियम आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। हम आपको बता दें कि नियमों में सोने चांदी, पेट्रोल, डीजल, आधार कार्ड और SBI बैंक को लेकर बड़े नियम आ रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत में मोदी सरकार की कुछ नई योजना भी लागू होने जा रही है, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों पहले बड़े नियम की बात करते हैं। अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से सोने की खरीदारी से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। लंबे वक्त के बाद सोने की ऑल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जनवरी से सोने की ज्वेलरी के लिए ऑल मार्किंग बेहद ही जरूरी हो गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि फिलहाल सिर्फ 40% आभूषणों की ऑल मार्किंग की जाती है। ऑल मार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है। सरकार 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट और 20 कैरेट तथा 22 कैरेट की ज्वेलरी की ऑल मार्किंग अनिवार्य करेगी, जिसके लिए देश भर में ऑल मार्किंग सेंटर खोले जाएंगे। ऑल मार्किंग होने से सोने की शुद्धता की गारंटी मिल जाएगी। आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में ग्राहकों को 22 ग्रेड के बजाय 21 ग्रेड का सोना बेचा जाता है और ग्राहकों से 22 या 24 ग्रेड सोने का रेट वसूला जाता है। नए नियम लागू होने के बाद ज्वेलर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। सही ऑल मार्किंग नहीं होने पर ज्वेलर्स को नोटिस भेजा जाएगा। दोस्तों ये नियम लागू होने के बाद आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। जो भी आप सामान खरीदेंगे उस पर ऑल मार्किंग जरूर देखें। चलिए दोस्तों अगले बड़े नियम की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि 31 दिसंबर से पहले मिलेगा भारतीय स्टेट बैंक की इस बड़ी स्कीम का फायदा। भारतीय स्टेट बैंक के नए ऑफर के तहत अगर आप 31 दिसंबर 2019 तक होम लोन लेते हैं तो 1 जनवरी 2020 से आपको 0.25% कम ब्याज देना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक में होम लोन की ब्याज दर 8.15% से शुरू होती है, लेकिन ऑफर के तहत 7.90% ब्याज दर पर होम लोन लिया जा सकता है। इसके लिए आपको 31 दिसंबर 2019 से पहले अप्लाई करना होगा। लोन की कम ब्याज दर 1 जनवरी 2020 से शुरू हो जाएगी। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों तीसरे बड़े नियम की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि किसानों के लिए जरूरी खबर है। बैंक खाते और आधार की एक गलती पड़ेगी भारी, नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। बैंक अकाउंट और बैंक मालिक के नाम के बीच अंतर पाया गया तो किसानों की बड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ लेने के लिए कुछ लोग गड़बड़ी करने लगे। मोदी सरकार ने कहा कि बैंक खाते और आधार में भी अगर किसान के नाम की स्पेलिंग एक जैसी नहीं है तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगले बड़े नियम की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को 31 दिसंबर 2019 से पहले लिंक जरूर करवा लें। 1 जनवरी 2020 से आपका पैन ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। आप बैंक, इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। मोदी सरकार ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने से डुप्लीकेट पैन छंट जाएंगे, मल्टीपल पैन कार्ड बनाना भी बंद हो जाएगा, जिससे पैन के दुरुपयोग और टैक्स जालसाजी को रोका जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले बड़े नियम की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि नए साल में हो सकता है आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव। सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। नए साल में नौकरी करने वालों के लिए केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। नए प्रस्ताव से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और इससे PF योगदान में भी बढ़ोतरी होगी, पर आपकी टेक होम सैलरी में कुछ कमी आ सकती है। ये नियम नए साल से लागू हो जाएगा। इसके बारे में और हमारे पास जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे।